होने वाली बस संचालन के संबंध में आपने डिमांड की है कि बसों को पुराने बस स्टॉप पे 10 मिनट का स्टॉप देते हुए चला जाए ताकि महिलाओं को परेशानी ना हो, छोटे मोटे व्यापारियों का नुकसान ना हो, बच्चे लोग परेशान हो। तो आपकी सारी सारी भावनाओं को प्रशासन के माध्यम से जो महोदय के माध्यम से ज्ञापन को शासन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और जो भी इसमें हम कार्रवाई करेंगे उसकी कॉपी आपको भी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो जनता ने इस बस स्टैंड नवीन बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड पर 10 मिनट के लिए बस रोकने के लिए जो समय दिया है उन सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस का प्रदर्शन था क्या, मुख्य मांग क्या है आपकी, किस विषय को लेकर आज आंदोलन किया? कांग्रेस की मांग व्यापारी भाइयों की, हमारे आम जनता के हित की मांग थी कि जो नवीन बस स्टैंड प्रारंभ किया गया है, अभी तो चाहे ट्रक हो चाहे डंपर हो सब शहर में सोते जा रहे हैं, परंतु प्रशासन ने इसको बस शहर में आना बैन कर दिया। बैन उसके कारण से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारे महिला आती है और सब बहुत सारे लोग आते हैं, उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जितना उज्जैन से 50 रुपये किराया लगता है और जावरा का 40 रुपये और खाचोद का 15 रुपये लगता है, यदि वो बस स्टैंड से लाएंगे तो निःशुल्क से ऑटो वाले बहुत अधिक राशि ले रहे हैं, जो धोरी मार पड़ रही है। और आम जनता की सुविधा के लिए ये पहला स्थान है जहाँ बाहर से व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता की बात है, आज व्यापारियों ने हमारे धरना आंदोलन को अपने व्यापार बंद कर समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इस संदर्भ में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा है, बातचीत हुई? निश्चित रूप से हमने एचडीएम वाला का कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, उन्होंने वो खुद भी इस पक्ष में थे कि ये होना चाहिए, परंतु किस राजनीतिक दबाव में के कारण ये हो नहीं पा रहा। निश्चित रूप से सोचने विचार करने की बात है। अभी कुछ लोगों ने बोला था कि विधायक जी की गाड़ी बस वालों के कारण बहुत कभी कभी अटक जाते थे ट्रैफिक में, तो विधायक जी की इच्छा थी कि बस स्टैंड बाहर ही जाए, बसें अंदर नहीं आए। मतलब आपके द्वारा ये मतलब माना जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष विधायक जी जैसा बोलते हैं वैसा काम करते हैं? अच्छा, इसके लिए आगे आप क्या क्या घेराव करना पड़े हम करेंगे। किस विषय को लेकर आपने इस आंदोलन को किया था और आगे की क्या रणनीति कांग्रेस की बस स्टैंड को लेकर होगी वो स्पष्ट करें। पिछले 3-4 दिन से जब से बसों का संचालन नवीन बस स्टैंड से प्रारंभ हुआ है, स्कूल के जो अन्यत्र ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं वो परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है, जो शिक्षिकाएं नागदा से अन्यत्र खाचरोद नाग महितपुर उनेल तक जाती हैं वो परेशान हो रहे हैं। आम जनता जो अपने घर से नवीन बस स्टैंड तक का जाने का किराया जितना दे रही है उससे और वो फिर वो दूसरी जगह जहाँ गंतव्य तक जाती है उसमें लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा उनको घर से देना पड़ रहा है। इन सब बातों को लेकर आज हमारा धरना था। हमारी मांग है कि नवीन बस स्टैंड से आप बसों को संचालित करा जाए, लेकिन शहर से के मत पुराने बस स्टैंड से होते हुए उसको जाए। पुराने बस स्टैंड पे वो 10 मिनट का स्टॉपेज का है। अगर प्रशासन ये मांग नहीं मानता है तो आज जैसे व्यापारियों ने स्वतः अपनी दुकानें प्रतिष्ठान बंद करके इस धरना प्रदर्शन को सहयोग करा है, आने वाले समय में पूरे नगर के व्यापारियों से हम इसका सहयोग मांगेंगे और नगर बंद करेंगे, कलेक्टर घेराव, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे और जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा इन सब के साथ व्यापारियों के साथ मिलकर जनहित में एक प्रदर्शन करेंगे।